सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका इसके और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के जितने सारे बुक होते हैं, कौन कौन सा बुक खरीदना है और कौन कौन सा बुक खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू, बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, तो दोनों बुक कौन कौन से है और मुझे जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा उसको मैं पार्टिकुलरली हाईलाइट करूँगा। ठीक है, तो फिर और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और आई होप ये नए साल आपको एक नई चीज़ सीखने को मतलब एक लाइफ में नया चीज़ एक नया स्किल और नए चीज़ सीखने को मिले और नए नए आपके रिलेशन बने। ओके, सो इसी विश के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे, पहला पहला पेट्रोलियम रिफाइनिंग बुक है फॉर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री। तो अगर देखिए मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप बुक खरीदते हैं अगर सिर्फ डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पेट्रोल ये जो राम प्रसाद का पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, राम प्रसाद वो भी है बहुत अच्छे हैं, और पेट्रोलियम एंड केमिक पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, तो अगर जिनका मतलब पेट्रोकेमिकल है ओके और केमिकल टेक्नोलॉजी है, तो अगर वो चाहें तो डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो की गंवाने का बुक होता है मतलब निराला प्रकाशन जो है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही आपको काम आएगा। और बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो राम प्रसाद सही है, चले ओके, लेकिन हाँ ये आपको एज मैच मतलब क्या बोलते हैं कि जो होता है ना कॉलेज बेस सही है, अगर आप कॉलेज में हैं तो ये सब सही है, कॉम्पिटेटिव के लिए इससे थोड़ा हाई लेना पड़ेगा जो कि मैं बाद में बताऊंगा उसके संबंध में। ओके अब आगे देखते हैं यूनिट ऑपरेशन। देखिए यूनिट ऑपरेशन इसके बारे में आपको इसका बुक का सिलेक्शन सही होना चाहिए। देखिए क्योंकि मैक्सिमम जो केमिकल इंजीनियरिंग जो पार्ट है वो यूनिट ऑपरेशन ही है, अगर यूनिट ऑपरेशन आपके कब्जे में है तो आप बहुत सारे एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके इन हैंड में होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो चार सब्जेक्ट आती है और चार सब्जेक्ट ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये केमिकल इंजीनियरिंग से बहुत ही डायरेक्ट रिलेटेड है। ओके, तो अगर आप केमिकल टेक्नोलॉजी हो, पेट्रोकेमिकल हो, कोई भी हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो यूनिट ऑपरेशन है केमिकल इंजीनियरिंग का, यूनिट ऑपरेशन केमिकल जो वारेन जे मैकेब स्मिथ जिसको बोलता है, ठीक है, मैकेब स्मिथ एंड पीटर हरियोट, ये जो बुक है सेवंथ एडिशन का या फिर कोई भी एडिशन रहेगा चलेगा, ये आपको बुक मतलब बहुत यूजफुल है, आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डिप्लोमा वाले को थोड़ा सा लग सकता है हार्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ना वो बुक है ना इसका लैंग्वेज हार्ड नहीं है क्योंकि ये इंडियन एडिशन में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बुक जो है वो इंडियन एडिशन में, इसके वजह से इसका लैंग्वेज आसान है। थोड़ा सा इनिशियली आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत ही सुंदर बुक है यार, इसकी एकदम टॉपिक बहुत ही सुंदर क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होते हैं, आपको स्पेशल इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करनी। जैसे कि डीए में बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो वैकेंसी आती है, बीआरसी, एनआरबी, हैवी वाटर बोर्ड, एनएफसी या फिर जो भी आती है, तो वो जो आता है ना वहाँ पर एकदम इंटरव्यू में बहुत ही सुंदर से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। तो इसमें आप देखिए जैसे कि बात करें फ्लूड मैकेनिक्स आता है, मैकेनिकल ऑपरेशन है, हीट ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर है, तो ये IOCL, HPCL, बार, हैवी वाटर, ऑल PSU के लिए बहुत ही सूटेबल बुक है। ओके, सो आई होप दिस बुक मस्ट बी व्हेन यू हैव अ केमिकल इंजीनियर, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग है तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, और मैं बोलता हूँ जितना जल्दी हो सके ये बुक खरीद लीजिए, बहुत ही सुंदर है। ओके, आज दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी वन एनी थिंग, ओके ये सब दिमाग मत लगाइएगा, मैं अपना खुद का डिसीजन दे रहा हूँ, ताकि अभी जो पास आउट हुए हैं डिप्लोमा से अगर वो भी ले सकते हैं, और या फिर जो डिप्लोमा है पढ़ रहे हैं वो लोग के लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। ओके, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हाँ ये जो वो बुक था ना वो बीटेक वाला ही खरीदे, डिप्लोमा वाला ही खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर जो आप चाहते कि हमें सिर्फ बेसिक चाहिए मतलब यूनिट ऑपरेशन का सिर्फ हमें बेसिक चाहिए, तो आप के गवाने का बुक लीजिए, यूनिट ऑपरेशन 1 एंड 2, ये आपको सिर्फ बेसिक बताएगा और इसका लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है। तो इनिशियली जो मैं कॉलेज में था तो मैं भी यही बुक पढ़ता था, लेकिन ये उतना सख्त मतलब सुटेबल नहीं है फॉर इंटरव्यू पॉइंट, या फिर जब आप ओपी गुप्ता पढ़िएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैकेब स्मिथ पढ़ने के बाद ओपी गुप्ता बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, ये चीज़ मैं कहूँगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर डिप्लोमा वाले तो ये ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप यूनिट ऑपरेशन का मैकेब स्मिथ ही लीजिए क्योंकि वो होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, ये देखिए केमिकल टेक्नोलॉजी, ये दोनों बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए सूटेबल। ओके, तो आप इसमें केमिकल 1 टू 2 आता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ है ऐसा,
तो इसमें जैसे कि होता है क्या ना, फर्टिलाइजर का है, पॉलीमर का है, मेटलर्जी का पार्ट है, ये सब पार्ट आते हैं, ठीक है। जितने शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ये सब जैसे ये पार्ट वन पार्ट टू में आता करके, तो ये उसका दो बुक है, मतलब बहुत ही अच्छा है, आप ये बुक ले सकते हैं अगर आप केमिकल टेक्नोलॉजी हैं पढ़ना चाहते हैं कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइज़र, मेटलर्जी, पॉलीमर, तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसमें बताया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्योंकि ये जो डायग्राम जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए थे, मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम, जब सेमेस्टर एग्जाम रहते थे तो उसमें पूछा जाता था कि इसका डायग्राम बनाइए, तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ओके, आगे मैं बात करता हूँ। तो देखिए ये बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। तो मैं इस बुक में देखिए दो बुक मैंने लिखाया हूँ, ये बुक जो है ना आपको बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर मैं देखो, अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग है, ठीक है, अगर आप बैचलर डिग्री है, तो आप मेरे ख्याल से पहला बुक के वी नारायण के पढ़िए, उसके बाद ये पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा बस दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये जो है के वी नारायण का बुक, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, के वी नारायण का बुक, ये बहुत यूजफुल है फॉर द डिप्लोमा एंड बी टेक। मतलब इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंप्लीफाई भाषा में है एंड बिकॉज ऑफ इंडियन ऑथर्स। तो ये बुक मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल किया, मतलब कोई भी इंटरव्यू में या फिर कोई भी एग्जाम में या फिर किसी को समझाने में ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप बीटेक के हैं तो आप ये जे एम स्मिथ का है वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप के वी नारायण का पढ़िए। ये मतलब आपको थर्मोडायनामिक बहुत ईजी कर देता है यार, मतलब मुझे लगता था बहुत ज़्यादा डर, लेकिन ये जो के वी नारायण का थर्मोडायनामिक इंजीनियरिंग बुक है ये बहुत ही सुंदर है, रियली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको थर्मोडायनामिक्स जितना डर है ना वो निकाल देगा। ओके, अगर आप बीटेक हैं तो आप इससे बेस्ट बुक ये भी है कि आप हायर के लिए ये पढ़ सकते हैं, जैसे गेट उट की तैयारी करते हैं तो ये उतना शायद सेटेबल ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। ओके, जे एम स्मिथ का। ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते सी आर ई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो देखिए इसमें बी टेक के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो है रोनॉल्ड मिसेन एंड मिन्स एंड सेविली, ये अगर आप बी टेक के हैं तो आप ये बुक खरीदिए। ओके, अगर आप बी टेक के हैं तो ये बुक खरीदे, लेकिन आप डिप्लोमा में हैं मतलब डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आप के गवाने का बुक अच्छा है, इतना काफ़ी, जितना मतलब आपको जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे ओ पी गुप्ता की बात करें तो ओ पी गुप्ता भी के गवाने का बुक से बन जाता है, ठीक है, मोर लेस कितना काफ़ी है। लेकिन हाँ, लेकिन बी टेक वाले हैं तो इससे बेस्ट होगा कि आप ये फॉरेन राइटर हैं इनका परचेज कीजिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये सब सारे बुक आपको अमेजन या फिर किसी और चीज़ पे मिल जाएंगे। अब मैं भी हो सकता है लिंक मैं टेलीग्राम पे भेज भी दूँ। ओके, ये भी है, तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, मतलब सी आर ई में के गवाने के पढ़ा हूँ, इस बुक का तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये बी टेक के लिए बेस्ट है, इसके जैसे मैंने देख रहा था पेज तो पता चला। लेकिन हाँ, के गवाने अगर डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आप ये लीजिए। ओके, आगे बात करता हूँ स्टॉइकोमेट्री या फिर केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, मतलब केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। तो ये बुक मैं बोलूँगा दोनों को रिकमेंड करूँगा कि आप बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, ये बुक दोनों के लिए हेल्पफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। ऐसे इसमें से बहुत आधा पार्ट तो है वो थर्मोडायनामिक के जो पार्ट्स है ना उसी में, इसमें एकदम सेम टू सेम ऐड कर दिया गया है, बस थोड़ा सा आगे का जो पार्ट है वो ऐड किया, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको एक बहुत ही सुंदर आइडिया देगा। मतलब आपको जो स्टॉकोमेट्री से डर लगता है या फिर कोई भी चीज़ से छोटा छोटा बनाने में दिक्कत होती है, इसमें हर एक वर्ड को समझाया गया है कि कैसे डिफाइन करते हैं, किसी चीज़ को कैसे पूछते हैं, क्योंकि ये बुक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर है और ये बुक मुझे इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किए थे, स्पेशली इन द बार के। ओके, तो मैं सभी लोग ये रिकमेंड करूँगा, चाहे आप बी टेक हो चाहे आप डिप्लोमा हो। अब है ऑब्जेक्टिव, अगर मैं देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो आप ओ पी गुप्ता ही केमिकल इंजीनियरिंग में आता है, केमिकल इंजीनियर ओ पी गुप्ता, या फिर आप राम प्रसाद ले सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले हैं तो सम सॉर्ट ऑफ बुक केमिकल इंजीनियर राम प्रसाद से सुटेबल होते हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल से ओ पी गुप्ता ये रखिए। लेकिन हाँ, अगर आप कॉलेज में हैं तो दोनों बुक रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या किसी और की वजह से तो आप ओ पी गुप्ता ही लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग बुक, ये बहुत अच्छे हैं। ओके,
अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, हर केमिकल इंजीनियरिंग में हो, और अगर आपको चाहिए कि मैं चाहता हूँ बीटेक के लिए पढ़ूँ या फिर डिप्लोमा के लिए पढ़ूँ, तो अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर बुक ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो एस के सिंह है, ये स्पेशली इंस्ट्रूमेंटेशन के दोस्त, उनसे रिकमेंड करवाए थे। तो मैं ये मेरे पास अभी बुक है भी, पर मैंने देखा हूँ, बहुत ही सुंदर है। इसमें हर एक चीज़ समझाया कि कंट्रोल क्या है, PDPI, एलिमेंट, एवरी थिंग, स्टैटिक करेक्टिव, डायनेमिक करेक्टिव, बहुत ही सुंदर समझाया हुआ है। पर्सनली मैं इसको लिया हूँ और मुझे बहुत, इसके जितना भी सारे जो हैं टॉपिक है वो मैं वीडियो भी बनाऊँगा, तो आप बेफिक्र रहिए। प्लस में अगर आप कॉलेज में हैं तो आप ये जो निराला प्रकाशन है ये भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल, लेकिन ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इसका लैंग्वेज सिंपल होता है, क्योंकि दैट बिकॉज ऑफ स्पेशली देखो लिखा है ना, थर्ड ईयर डिप्लोमा को, तो ये डिप्लोमा को लिए ही बनाया गया है, तो ये बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप SKC लीजिए, अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप मत लीजिए, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो मैं डिप्लोमा वाला के ही बोलूँगा कि निराला प्रकाशन का ही खरीदिए, निराली प्रकाशन का, और अगर आप BTech है तो SK सिंह का खरीदिए। ओके, फिर आगे बात करते हैं केमिकल प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डिजाइन है। देखिए, एक डिप्लोमा पढ़ना रहता है, लेकिन सारे मैं स्टेट में देख रहा हूँ ऐसा नहीं है। एज पर द SVT बिहार, वहाँ पर ऐसा था केमिकल डिजाइन ड्राइंग पढ़ना, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में, मतलब उसमें डायग्राम बनाना, न्यूमेरिकल पार्ट, सब कुछ बनाना रहता था। ओके, तो अगर आप BTech का, देखिए के गवाने का ही लिखा हुआ है, तो ये खरीदिए, डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, BTech के लिए कुछ और बुक है, मैं आप बताता हूँ। ये डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप ये चीज़ खरीदिए, बहुत ही अच्छा है। फिर हाँ, देखिए, ये जो मैं BTech की बात कर रहा था ना, केमिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आप BTech के लिए ये है गेविन टावर एंड रे सिनॉट, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स, प्लांट के बारे में, क्योंकि वो लोगों को पढ़ना रहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ प्लांट, प्रोसेस डिजाइन, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे लिखा है प्लांट इकोनॉमिक्स एंड प्रोसेस डिजाइन, दिस, अच्छा, TH गायब हो यहाँ पर, दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओके, और एक है फ्यूल कंबंसन, तो अगर आप BTech हो या फिर डिप्लोमा हो, आप इसका बुक ही काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है और ये पढ़ सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक आपको रियली हेल्पफुल करेगा अगर आप सब्जेक्ट है आपके कॉलेज में, ठीक है, तो ये डिप्लोमा और BTech, बैचलर डिग्री दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और बेसिकली वो लोग को शेयर कीजिए जो भी कॉलेज में हैं, इनरोल हुए हैं मैंने सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, वो लोग को पता चले कि कौन सा बुक हमें खरीदनी चाहिए, कौन सा बुक कैसे है, हमें किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि एक बार ख़रीद लेने के बाद दोबारा लोग बहुत जल्दी अफोर्ड ही नहीं करते हैं, बहुत लोग ख़रीदते भी नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से बुक तो सबको ख़रीदनी चाहिए या होनी चाहिए, और ना हो तो दो तीन लोग मिल के ख़रीदें और उसके बाद काम करें, लेकिन आपके पास बुक रहना चाहिए। अगर आपका है कि हम कोई बड़ा इंटरव्यू क्रैक करें, या फिर बाहर के जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, या फिर और जा या केमिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज के बारे में अच्छे से अध्ययन करें, तो ये सब बुक मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप वो लोग को शेयर कीजिए वो जो स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और आप मुझे फीडबैक करके बताइएगा कोई और भी बुक आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करता, ताकि दूसरे लोग के हेल्पफुल हो। जो मुझे अपना अच्छे तरह से लगा, इसमें मैं दो तीन दिन से देख रहा हूँ कौन कौन बुक बढ़िया है, काफ़ी थोरोलू जांच किया हूँ, ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड किया हूँ। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सो थैंक यू।